छात्र ने अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रच डाली। आगरा में एक बीबीए के छात्र ने अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रच डाली। छात्र शेयर बाजार में पैसा लगाता था, उसमें हार गया, फिर कर्जा लेकर वह शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगा। जब कर्जदार उसको परेशान करने लगे तो उसने खुद के ही अपहरण की साजिश रच डाली। मथुरा का रहने वाला निखिल यादव आनंद इंजीनियर कॉलेज में बीबीए का छात्र है। छात्र निखिल पढ़ाई करने के साथ ही शेयर मार्केट में पैसा लगाता था। वह शेयर मार्केट में पैसा हार गया तो उसने कर्ज लेकर पैसा लगा दिया, फिर कर्जदार उसको परेशान करने लगे। अब छात्र ने पैसा लेने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची। छात्र निखिल यादव ने नोएडा में एक महीने के लिए किराए पर कमरा लिया। वहां पर उसने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड की और फिर वह वीडियो अपने परिजनों को भेज दी, जिसमें कहा गया कि निखिल का अपहरण किया गया है, 5 लाख की फिरौती दो। परिजनों ने थाना सिकंदरा पुलिस से शिकायत की। परिजनों ने पुलिस को बताया कि एक जमीन के मामले में उनका बेटा गया था, लेकिन अब उसका अपहरण हो गया है। संज्ञान लेते हुए डीसीपी सिटी ने टीम बनाई, फिर छात्र की बरामदगी के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी। छात्र के मोबाइल की लोकेशन नोएडा की निकली, जिसके बाद एक पुलिस की टीम नोएडा के लिए रवाना हुई। नोएडा से एक लॉज से पुलिस ने सकुशल छात्र को खोज निकाला, पुलिस आगरा लेकर आई। पुलिस पूछताछ में छात्र ने जो पुलिस को बताया वह बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वह पढ़ाई करने के साथ ही शेयर मार्केट में पैसा लगाता था। शेयर मार्केट में वह पैसा हार गया, उसको पैसे की जरूरत थी तो उसने अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रची। परिजनों को भेजे गए वीडियो भी छात्र ने खुद बनाए थे। अब पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 20 अगस्त 2024 को थाना सिकंदरा पर मथुरा निवासी एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसके बेटे ने फोन कॉल किया था। बेटा जो यहाँ थाना सिकंदरा अंतर्गत आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई कर रहा, उसने फोन कॉल के माध्यम से अपने पिता को बताया कि उसका जमीन के लेन देन के मामले में एक किसी व्यक्ति ने उसको थाना सिकंदरा अंतर्गत की किसी प्लॉट पर बुलाया था और वहां से उसका अपहरण कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल संगत धाराओं में थाना सिकंदरा के द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। इसमें थाना सिकंदरा और एसओजी सर्विलांस नगर जोन की टीम तत्काल एक्टिवेट कर दी गई। तो इस लड़के को जो वादी का बेटा है, निखिल नाम का व्यक्ति, इसको नोएडा से टीम ने रिकवर कर लिया। और जब रिकवर करने के बाद प्राइमरी पूछताछ की तो इसने बताया कि किसी ने इसको डंडा मार के बेहोश कर दिया था और बेहोश करके नोएडा में ले आके यहाँ पर रखा। जब इस लड़के से, निखिल से, और गहनता से पूछताछ की गई तो इसके पास कुछ संदिग्ध शेयर के पेपर्स मिले, डॉक्यूमेंट्स मिले, लैपटॉप और मोबाइल फोन मिला। और जब उसके बारे में इससे पूछा गया और गहन पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये अपने भाई और रिश्तेदारों के कुछ पैसे शेयर मार्केट में लगा के और उसमें हानि इसको हो चुकी थी, लॉस कारित हो चुका था, जिसकी भरपाई करने के लिए इसने स्वयं से ही अपने अपहरण का नाटक रचा। और उस अपहरण के नाटक में इसने एक वीडियो बनाई अपनी, जिसमें ये बेड पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट जिसमें ये बेड पर गिरा हुआ है उसको अपने पिता को भेज के और 5 लाख की फिरौती अपने ही अपहरण की दूसरे व्यक्ति के नाम से मांग के इस घाटे को उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा था। थाना सिकंदरा पुलिस और सिटी सर्विलांस एसओजी ने बहुत ही अल्पावधि में 2 दिन के भीतर इस घटना का सफल अनावरण न केवल किया बल्कि इस मामले की पूरी सच्चाई तक पहुंचे हैं और भी जो भी रेलिवेंट चीजें हैं और एविडेंसेस हैं उनको भी संकलित किया है। इस गुड वर्क के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड मेरी तरफ से दिया जा रहा है और आप सभी के माध्यम से ये भविष्य में कोई इस तरह का बच्चे किसी लॉस में आके या किसी अन्य कारणों से प्रेरित होकर ये काम ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि अपहरण एक बहुत ही संगीन अपराध होता है और उसका वो लेके कोई भी इस तरह का दुरुपयोग उसके नाम पर ना हो, ये आपके सभी के माध्यम से ये संदेश देने की मैं कोशिश करूंगा। थाना सिकंदरा पे आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग में इस व्यक्ति का, निखिल का नाम बढ़ाते हुए इसको माननीय न्यायालय के समक्ष फ्रॉड यानी धोखाधड़ी के केस में। जेबी हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।